New Zealand Instagram couple relieved after le uh, leaving Iran. Um, तो खामोश हो गए थे ईरान गए थे तकरीबन चार माह पहले एंड नाउ दे फाइनली रिटर्न होम एंड वेरी वेरी रिलवर इंस्टाग्राम अकाउंट इन्फ्लु थे um, किस तरह कीज करने गए थे आई एम नॉट वेरी श्योर ऑफ दिस लेकिन यूजली uh, इस तरह जब किसी और मुल्क जाते हैं इस तरह के कपल इन्फ्लुएंस इट इज टू कवर एडवेंचर नॉट एडली नेचर से रिलेटेड बट डिफरेंट का ये भी यही कर रहे थे फिर उन्होंने पोस्ट करना छोड़ दिया था अब ईरान में जो हालात हुए हुए हैं पिछले एक माह से उस वजह से लोगों को कंसर्न भी था जो इनकी जर्नी को फॉलो करते हैं सो so, uh, तेरान इंसिस्टेड पेर है गवर्नमेंट इन वेलिंगटन वॉज टू कॉमेंट वाइल्ड ऑन गोइंग इन फेयर ऑफ जेपरटाइजिंग देर रिलीज अब ये इवन तो दूसरे मुल्क से ताल्लुक रखते थे बट इनका uh, रहन सहन पहनावा हर चीज काफी मुख्तलिफ होगा दे बिलोंग टू न्यूजीलैंड सो कंसर्न न्यूजीलैंड मीडिया ने रिपोर्ट जब करना शुरू किया इनके बारे में तो फिर तैरान अथॉरिटीज ने कहा जी हमने तो नहीं इम्प्रेजेंट किया है इनको किसी भी वजह से so, उसके बाद फाइनली कम बैक होम एंड देर वेरी वेरी रिलीव इधर वेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी वो सैडली लैकिंग

एंड अब तो खैर बहुत ज़्यादा लोग मुख्तलिफ ममालिक जाते हैं और पाकिस्तान तो बहुत ज्यादा डिफरेंट ममालिक से लोग आए हैं ट्रैवल करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो बहुत बड़े या बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स वाले ट्रैवल वी लॉगर्स हों लेकिन पाकिस्तान आने के बाद उनको एक तो पब्लिसिटी भी बहुत मिलती है सो मच टू तो एक्सप्लोर इन पाकिस्तान जहाँ पाकिस्तानियों को अब आहिस्ता आहिस्ता करके एहसास हुआ है कि जब फॉरनर्स आते हैं तो उनका रहन सहन उठना बैठना खाना पीना <coughs> थोड़ा सा मुख्तलिफ है वहां बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो थोड़ी सी अपनी रिसर्च और होमवर्क करके आते हैं तो वो खुद भी अपने आप को ढालते हैं वहां के तौर तरीकों में एंड देन कुछ ऐसी चीजें होती हैं नॉट जस्ट कल्चर के हिसाब से कि आप उसमें घुल मिल जाएं ये भी बड़ी जरूरी चीज़ होती है रोम डू एज द रोमन डू वाली बात आपको थोड़ा सा रिसर्च करने की जरूरत है आप जिस भी मुल्क से जिस भी मुल्क जा रहे हो ये तनकीद किए बगैर आप किसी और मुल्क जा रहे हैं तो आपकी पर्सनल ख्वाहिशात के मुताबिक वहां का के लोग नहीं आपसे सिर्फ हर एक पेश आएगा या ऑब्जेक्ट नहीं करेगा अगर एक ईरान जैसा मुल्क है जहां पे इन टर्म्स ऑफ फॉर एग्जाम्पल मैं कह रही हूं पहनावा इज वेरी वेरी देर वेरी स्पेसिफिक अबाउट इट हाउ आर सपोज टू ड्रेस अप और आप नहीं उस चीज को अप्लाई करेंगे तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये सही है मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि एक हकीकत है ये एक रियलिटी है कि वहां पे अगर फर्ज करें कोई फॉरेन खातून है और वो वैसे तो इजाजत ही नहीं है लेकिन अगर वो बहुत टाइट पतलून पहन के निकल जाती हैं वो ईरानियंस आर नो बडी टू स्टॉप एनी बडी एल्स किसी और मुल्क की वो खातून है बट आई एम जस्ट दैट खातून शुड बी प्रिपेयर फॉर द फैक्ट कि एक चीज नहीं एक्सेप्ट की जाएगी उसी तरह अगर कोई ऐसा मुल्क है जो कि वॉर टॉर्ड है और वहां पे आप एडवेंचर करने गए हैं या वहां पे कोई यू नो सिक्योरिटी कंसर्न्स है आप अपने आप को मेंटली प्रिपेयर रखें सो जब हम किसी और मुल्क जाते हैं हम फॉरेनर होते हैं फॉरेनर का लफ्जी का लफ्ज मतलब होता है किसी फॉरेन लैंड से आना किसी और जगह से आना तो हम इटली जाते हैं हम फॉरेनर हैं हम न्यूजीलैंड जाते हैं हम फॉरेनर उसे तो इतना वो किसी और मुल्क जाते हैं तो वो फॉरेनर होते हैं सो so, फॉर के लिए एंड जनरली भी आप लोगों के लिए इवन अगर आप किसी और प्रोविंस जाते हैं किसी और सूबे जाते हैं विद इन पाकिस्तान इस बात को प्लीज समझ जाया करें हम जाके अच्छी चीजों को तो चले अब्जॉर्व कर लेते हैं जो चीजें हमें नहीं भाती हैं उन चीज पे इतना ऑब्जेक्शन नहीं करना चाहिए कि ये कैसी चीज है यहाँ पे तो ये नहीं मिलता है यहाँ पे तो वो नहीं मिलता हर जगह की अपनी खासियत होती है हर जगह का अपना तौर तरीका होता है आपको बादशाह नहीं है या मलका नहीं है कि आप जाएंगे तो आपके लिए रेड कार्पेट रोल आउट की जाएगी इन इज सपोज टू कंफर्म अकॉर्डिंग टू वॉट यू आर यूज टू सो वेदर वो सिक्योरिटी कंसर्न वेदर वो पहनावा हो वेदर वो कहां आप घूमने जा सकते हैं कहां नहीं जा सकते जस्ट बिकॉज कोई टूरिस्ट आया है और टूरिज्म को यू नो फरोख दिया जा रहा है इस तरह डजेंट मीन दैट ये एक्सेप्टेंस होगी कि एवरी थिंग इज ओके जस्ट दैट्स आई एम ट्राइंग टू इनकेज ओवे है सो नेक्स्ट टाइम आप कहीं भी ट्रेवल करें और अपने बच्चों को भी बहुत यंग एज से इस चीज को समझाया करें कि जो जहां जा रहा होता है उसको ज्यादा ओपन माइंडेडनेस रखने की जरूरत होती है कि चीजें बहुत मुख्तलिफ हो सकती हैं वो जो जगह है वो हंड्रेड ऑफ के ऊपर वहां के तौर तरीके कल्चर साइट रूल्स पॉलिसीज एट्सट्रा बनाई गई है सही गलत लेट्स नॉट गेट इन टू दैट फर्स्ट वी अच्छा ये है ऐसा उस जाती तौर पे आप अपनाएं ना अपनी जिंदगी में ना अपनाए अपने मुल्क में ना अपनाएं लेकिन वहां आपको उन चीजों को आ, रिस्पेक्ट करने की जरूरत होती है